हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। नाउ वी स्टार्ट द सारांश ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4th, ओके, ऑफ क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस। सारांश, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है। आपको पता है हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं प्रेजेंट होती हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है, ओके। दिए गए वस्तुओं से या दिए गए पदार्थ से हम और भी आगे पदार्थ बना सकते हैं, वस्तुएं बना सकते हैं। एक पदार्थ से दूसरी वस्तु बन सकती है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, ओके। दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग, कोई पदार्थ हमारे पास बहुत सी वस्तुओं के निर्माण किया जा सकता है। लकड़ी से हम टेबल, चेयर, कितना कुछ बना लेते हैं। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है। कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बन सकती है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लो चेयर है, चेयर के हैंडल है वो लोहे के हैं, बैठने वाली सीट लकड़ी की है, उसके ऊपर प्लास्टिक भी लगा, तो काफी सारे पदार्थ का यूज हुआ है ना उसके अंदर, ओके। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं, ओके। अलग अलग पदार्थों के जो गुण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ये आपको पता है, ओके। कोई पदार्थ पानी में तैरता है, कोई डूब जाता है, ओके। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग विशेषता है। यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ के आए। कुछ पदार्थ जल में विलय हो जाते हैं जबकि कुछ अन्य अविलय रहते हैं। कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी है, धातुएं हैं, अपारदर्शी होती हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होती हैं जिनमें से साफ तो नहीं दिखता बट थोड़ा बहुत दिखता है। पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है, ओके। तो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग समूहों में भी बांट सकते हैं। पदार्थों को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, ओके। अलग अलग जैसे पदार्थ आपके पास उनके गुण सेम हैं तो उनको अलग अलग को एक साथ हम रख सकते हैं, इससे हमें सावधानी रहेगी, आसानी रहेगी। तो कल हम इसके अभ्यास के प्रश्न डिस्कशन करेंगे, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।